हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश। आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन वुमेन्स सुपर स्मैश T20 मैच के बारे में, और ये मैच नॉर्थन स्पिरिट वुमेन वर्सेस सेंट्रल हिंट्स वुमेन्स के बीच में खेला जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम बात करने वाले दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन, और उसके साथ साथ आपको दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन की स्टैट्स को मैं बताने वाला, और इसके साथ साथ दोनों टीम की की प्लेयर्स क्या होने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए कौन सा प्लेयर, आपको हेड टू हेड के लिए कौन सा प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, ये सारे डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और इसके साथ साथ पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट क्या है, और यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर कितना रन तक बन सकता है, ये सारे डिटेल्स आपको यहीं पर मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर दोनों टीम की न्यूज़ क्या होने वाला है, पॉइंट्स टेबल पे कितनी पोजीशन पे रैंकिंग है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिए। आपको मैं पूरी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला है। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप कोई भी लीग, अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, और हेड टू हेड जो भी लीग आप खेलते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये डिटेल्स आप नहीं जानोगे तो ये तीन लीग आप नहीं जीत पाओगे फ्रेंड्स। तो सारे डिटेल्स आप आराम से देखिएगा, पूरे एक्सप्लेन पूरी डिटेल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करके पूरी डिटेल्स आपको मैं शेयर करने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, वो डिटेल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, मैच 10वां मैच है नॉर्थन स्पिरिट वुमेन्स वर्सेस सेंट्रल हिंट्स वुमेन्स के बीच में खेला जाएंगे। और ये मैच देखा जाए तो सेडन पार्क हैमिल्टन में खेला जाएंगे, और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 8 बजे होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर। और नॉर्थन स्पिरिट की टीम न्यूज़ की बात करें तो फ्रेंड्स इस प्रकार है, अभी तक 3 मैच के लिए 2 मैच जीते और 1 मैच हार गए, पॉइंट टेबल में 3rd पोजीशन पे है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 बार लिखती है फ्रेंड्स, जिसके लिए माफिया मांगता हूँ। पहला मैच नॉर्थन स्पिरिट बीट ने सेंट्रल हिंट को 17 रन से हराया, दूसरा मैच में वेलिंगटन ब्रिज को 7 विकेट से हराया, और तीसरा मैच में ओटैगो स्पार्क्स के 6 विकेट से हार गए डे लाइट मेथड की वजह से। और यहाँ पर नॉर्थन स्पिरिट्स वुमेन्स की प्लेइंग इलेवन विद स्टार्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर केट एंडरसन ने लास्ट मैच में 1 रन बना के आउट हो गए। ओपनर बैट्समैन है फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है बैटिंग ऑर्डर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 50 रन बनाए एक मैच में। अब ब्रूकी हॉलिडे की बात करें तो कैप्टन है, लास्ट मैच में 37 रन और 1 विकेट ने, हर मैच में 1 विकेट ले रहा, पहला मैच अलावा। यहाँ पर कैटलिन ड्यूरी की बात करें तो फ्रेंड्स 22 रन बनाए, एक अर्धशतक भी बनाए पहला मैच में। एमियर रिचर्डसन लास्ट मैच में 20 रन आउट और कोई सफलता नहीं मिली, इनके स्टार्ट्स देख सकते हैं, 1 मैच में 3 विकेट लिए। फेलिसिटी लेडन डेविस की बात करें तो थर्ड डाउन बैट्समैन एंड फेस बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर, 3 रन और 1 विकेट है, और यहाँ पर हर मैच में एक और दो विकेट इनको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस प्लेयर को आपको टीम में जरूर रखना। अलीसा राउत की बात करें तो 9 रन नॉट आउट है फ्रेंड्स। नैन्सी पटेल की बात करें तो 25 रन और 1 विकेट, 4 रन और 1 विकेट है, कोई सफलता नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। मैथी हैडी की बात करें तो यहाँ पर 4 रन नॉट आउट और 5 रन नॉट आउट है। लॉरेन हिप्स ने पूरे 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, देख सकते हैं फेस बॉलर भी है। चार्ल्स हाउसफील्ड की बात करें तो गेंदबाज है फ्रेंड्स यहाँ पर, पहले ही मैच में विकेट मिला, उसके बाद इनको विकेट नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से इनको बेंच पर भी बैठा सकते हैं। ओलिविया लॉब को अभी तक मौका नहीं मिला फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर बेंच प्लेयर्स में केली नाइट, लिली मोलोवा और लोची बॉसर को मौका मिला तो पहला मैच में 0 रन से कोई सफलता नहीं मिला, तो इनको बेंच पे बैठाया गया। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर सेंट्रल हिंस की बात करते हैं, सीजन में पूरे अभी तक 3 मैच खेले, 3 मैच हार गए, पॉइंट टेबल में 6ठा पोजीशन में था, लास्ट पोजीशन पे फ्रेंड्स यहाँ पर। पहला मैच वेलिंगटन ब्रिज से 9 विकेट से हार गए, दूसरा मैच में नॉर्थन स्पिरिट से हार गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैच देखा जाए तो फिर इन दोनों टीम के बीच हेड टू हेड की देखा जाए तो एक मैच में नॉर्थन स्पिरिट की भारी रही है, मां नॉर्थन स्पिरिट ये मैच जीत ली थी फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरा लास्ट मैच की बात करें, ऑकलैंड हार्ट से 8 रन से हार गए फ्रेंड्स, ऑकलैंड हार्ट से। यहाँ पर सेंट्रल हिंट डिस्ट्रिक्ट की, मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल हिंट भी आप बोल सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। तो पहला मैच में जेस वॉटकिंग, और यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 3 मैच की परफॉर्मेंस, यहाँ पर 3 रन और 2 विकेट है। यहाँ पर ओपनर बैट्समैन है, अगर बैटिंग पे फ्लॉप हो रहा है तो गेंदबाजी कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। एमली कनिंघम की बात करें तो 14 रन बनाए लास्ट मैच में। नटालिया रॉड की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर 28 रन बनाई, और यहाँ पर इसमें 49 रन में अच्छी पारी भी खेली। यहाँ पर एनलो वेन डेविंटर सेकेंड डाउन बैट्समैन है फ्रेंड्स, 4 रन बना के आउट हो गए। हन्ना रोवी की बात करें तो 44 रन और 0 विकेट से लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैकेला ग्रेग की बात करें तो 18 रन और कोई सफलता नहीं। रोजमेरी मेयर की बात करें 5 डाउन बैट्समैन और फेस बॉलर है, 6 रन और कोई सफलता नहीं। कैरी एन टॉमलिसन की बात करें तो 5 रन नॉट आउट है। गॉर्जिया एटकिंसन की बात करें तो 8 रन और कोई सफलता नहीं। मेलिसा हैंसन की बात करते हैं, यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन एक एक पहला 2 मैचेस में 1-1 विकेट मिला। और मोनिक रूइस ड्रीज की बात करें तो 2 मैच में अभी तक कोई सफलता नहीं है। क्लॉडिया ग्रीन की बात करें तो इनका भी यही हाल है, और 1 विकेट लिए फ्रेंड्स, उसके बाद 2 मैच में कोई सफलता नहीं है। अब आगे की प्लेयर्स की, तो यहाँ पर नॉर्थन डिस्ट्रिक्स की, मतलब नॉर्थन डिस्ट्रिक्स की नॉर्थन स्पिरिट भी बोल सकते हैं, इस टीम की प्लेयर्स है फ्रेंड्स केट एंडरसन, कैटी ग्यूरी, फेलिसिटी लेडन डेविस और एमियन रिचर्डसन है। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल हिंट्स वुमेन्स की बात करते हैं, यहाँ पर नटालिया रॉड, एब्लो वैन डेविंटर, एनलो वैन डेविंटर, जस्ट वॉटकिंग और मेलिसा हैंसन है फ्रेंड्स यहाँ पर।
अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में यहाँ पर नटरजन और के ग्यूरी और हैना रोबी है फ्रेंड्स यहाँ पर, और वाइस कैप्टन में एमियर रिचर्डसन, फेलिसिटी लेडन डेविंस और जेस वाटकिन है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब बाकी रह गई फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट, आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, आपको ये पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट के टेलीग्राम चैनल में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना। अब आगे फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको हेड टू हेड के लिए बेस्ट है फ्रेंड, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको मैं देने वाला, और मैं एक टीम बनाऊंगा फ्रेंड्स, उसी टीम को मैं 6 से 11 टीम कन्वर्ट किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ ये भी टिप आपको मिलने वाला। तो ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर आपको, ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स वो डिटेल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चैनल है शत्रुघ्न चौबे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते होते इस तरह आपको लोगो मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, 142 सब्सक्राइबर्स मतलब बहुत कम है फ्रेंड, लेकिन मैं ये शुरुआत करके लगभग 7 दिन 6 दिन हो रहा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6-7 दिन में अगर 142 तो एक महीना में मैं लगभग किसी भी तरह का 500 से लेकर 600 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह आपको मैं अगर 1 साल मेहनत करूँगा तो बहुत ज़्यादा मेरा वर्क बहुत अच्छा चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है। एक मेरी टीम फॉलो करके हेड टू हेड पर ओनली खेला था, 1 लाख रुपया जीता था फ्रेंड्स वो। तो अगर आपको इसी तरह विनिंग करना है तो फ्रेंड्स जस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और आप भी एक अच्छे पैसे जीतिए। मैं ये पूरा फ्री वर्जन है फ्रेंड्स, मैं कोई पेड वर्जन नहीं है ये मेरे टेलीग्राम चैनल। अगर आपको यहाँ पर इस तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो फ्रेंड्स अभी जो मैच हुई थी ओडिशा टाइगर्स वर्सेस ओडिशा लायंस की, तो मैं इस तरह मैं मैच से 1 घंटा पहले फ्रेंड्स, मैच से 1 घंटा पहले आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अगर जीतना है तो यहाँ पर इस तरह जीत सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब का लिंक अगर आप टेलीग्राम वाले देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट पे बताना, तो आपको मैं यूट्यूब का लिंक भी टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ जाकर देख लेना फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अगर इस तरह आपको डिटेल्स मिल जाएगा फ्रेंड्स, इस डिटेल्स को आप ईजिली कन्वर्ट कर लीजिए अपने विनिंग पे, आप आसान से जीतिए फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स देर नहीं करते हैं, आपको मैं दिखाने वाला हूँ अब ड्रीम इलेवन टीम। तो फ्रेंड्स जो भी ये टीम देख रहे हो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर टीम बना के रखा है, यहाँ पर मैं एक विकेट कीपर को लिए, आप यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन को लिया, और यहाँ पर मैं 4 ऑलराउंडर पे गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो 3 गेंदबाज पे यहाँ पर मैं गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेयर्स है नटरजन और विकेट कीपर में बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर, और बैट्समैन में केटी एंडरसन, के ग्यूरे और ये एनलो वेन डेविंटर है फ्रेंड्स यहाँ पर, और ऑलराउंडर में एन पटेल, ई रिचर्डसन, जेस वाटकिंग और हैना रोबी है फ्रेंड्स यहाँ पर, और गेंदबाजी में यहाँ पर लेडन डेविस, एल हिप्स और आर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर। यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में यहाँ पर ई रिचर्डसन और जेस वाटकिन को मैंने बनाया फ्रेंड्स, आप चाहे तो हैना रोबी को ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो भी टीम है आप इस तरह इस टीम को आप हेड टू हेड कर सकते हैं, इस टीम को आप मदद लेकर आप यहाँ पर हेड टू हेड खेल सकते हो फ्रेंड्स, तो हेड टू हेड आप आसान से आप जीत जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसी टीम को मैं ग्रैंड लीग पे कन्वर्ट करता हूँ तो किस तरह कन्वर्ट करता हूँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग पे किस तरह आपको पिक करना है ये भी डिटेल्स आपको मैं बताने वाला, अब देर नहीं करते चलिए फ्रेंड्स वो भी डिटेल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी नेटवर्क स्लो है, थोड़ा एडजस्ट वेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है जो भी टीम आपने देख चुका था फ्रेंड्स यहाँ पर, अगर आपको मैं टीम दिखाना तो डायरेक्ट टीम देख ले सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप आ गए यहाँ पर जो भी प्लेयर्स, आप यहाँ पर सबकी ड्रीम इलेवन पॉइंट्स आप ऑब्जर्व करना फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, लेडन डेविस की 223 पॉइंट्स है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको हेड टू हेड के जो भी हाइएस्ट पॉइंट्स प्लेयर दिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ई रिचर्डसन है, जेस वाटकिन है फ्रेंड्स यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर के एंडरसन, और यहाँ पर नटरजन डॉट है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी प्लेयर ये है सारे प्लेयर्स है फ्रेंड्स यहाँ पर, उस प्लेयर्स को आपको हाईएस्ट ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है उसी प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करना है हेड टू हेड के लिए। अगर आपको ग्रैंड लीग खेलना तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए आपको यहाँ पर कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ग्रैंड लीग के लिए आपको यहाँ पर बेस्ट टिप है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर 120 और 100 से 100+ ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है, 100+ आप रख लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। 100+ में यहाँ पर लेडन डेविस है फ्रेंड, हैना रोबी, एन पटेल, जेस वाटकिन और यहाँ पर ई रिचर्डसन, एनलो वेन डेवेंटर को आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, के ग्यूरिक, कैटी एंडरसन है फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर नटरजन डॉट है। तो फ्रेंड्स ये आपको लगभग 6 से लेकर 7 प्लेयर मिला फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 7 प्लेयर में आपको यहाँ पर कुछ भी इसमें भी कट कर सकते हो अगर आप स्टैट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन स्टैट्स पे अब यहाँ पर जो भी मैं 6-7 प्लेयर आपको दिया फ्रेंड्स यहाँ पर, वो सारे प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन में कन्वर्ट करना। तो फ्रेंड्स अगर आप 6 से 11 टीम बनाते हो तो
तो फ्रेंड्स मेरी ओपिनियन बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह ड्रीम इलेवन पे पैसे जीतना है, 100% मनी करना है फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स आप किसी भी तरह पैसा जीतना है तो आप यहाँ पर ग्रैंड लीग क्यों खेलते हो, आप हेड टू हेड भी फोकस करो। हेड टू हेड पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं बता सकता हूँ 90% आप जीत सकते हो, लेकिन जब ग्रैंड लीग की बात आती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 10% लक पे 10% जीत सकते हो और उसके बाद 90% लक पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है आप यहाँ पर ज़्यादा फोकस हेड टू हेड पे करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप आसान से जीत जाओगी। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टार्ट्स की इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए तो स्टार्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मैच से 1 घंटा पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन करेंगे। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरे डिटेल्स को पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा मैच से 1 घंटा पहले फ्रेंड। तो ये इन्फॉर्मेशन लेके आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। अगर ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग ओनली आपको खेलना तो फ्रेंड जो टिप मैंने बताया वो टिप को फॉलो कीजिए, आप 100% ग्रैंड लीग जीत जाओगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चाहिए इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसी टाइप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कुछ नहीं करना, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, इससे आप ही को फायदा मिलने वाला। फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन।